बजे आज थोड़ा लेट हो गई और एक्सरसाइज मैंने आज नहीं की। अभी हस्बैंड आए थे कल, तो अभी जाएंगे ऑफिस, तो फटाफट से बनाते हैं खाना। और बच्चों का एग्जाम भी है तो उनको स्कूल जाना है, तो फटाफट से किचन में आ चुके हैं। अब करते हैं खाने की तैयारी और व्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह से। व्लॉग को पूरा देखना। तो भाई जो भिंडी है ना, वो मैंने आज कुछ काट के रख ली थी, और भिंडी वगैरह फ्रेश गर्मी की जो सब्जी है ना वो आने लग गई है। हस्बैंड को तो पसंद नहीं है, बट गुनीत को बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है। तो काफ़ी दिनों के बाद बन रही है भाई भिंडी। अभी गर्मी आ गई तो बनाई करेगी, सर्दियों में अलग वेजिटेबल्स थी बट अब उन्हें टेस्ट ही नहीं आता, बिल्कुल पक चुकी है सारी सब्जी। बच्चों का है एग्जाम तो वो कर रहे हैं रिविजन, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह रिविजन हो जाता है ना, एक बार फिर याद रहता है सब कुछ, है ना, अच्छे से एग्जाम हो जाता है। और मेरा रूम ये रहता है, जिम में चलाना भूल जाती हूँ, पता नहीं मुझे याद ही नहीं रहता। फटाफट एक साइड बन रही है भिंडी, एक साइड मैंने चाय भी चढ़ा दी है। और आज मेरे को बनानी है गुजिया, तो उसकी भी तैयारी करूंगी मैं, क्योंकि टाइम उसमें काफी लगने वाला है। जो मैं सोचूंगी बच्चे घर रहे ना, हस्बैंड घर रहेंगे, उसमें बना क्योंकि अभी आने वाली है होगी, तो गुजिया भी बनानी जरूरी है भाई। ठीक है, बनाएंगे सब कुछ, जो बनाएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए उसमें फटाफट से एक साइड आटा लगा रही हूँ, एक साइड मेरी चाय बन रही है और एक साइड बन रही है भिंडी। उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद मैं दिन को किया, अभी बहुत जल्दी का टाइम, हस्बैंड को जाना है जल्दी ऑफिस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हस्बैंड के लिए मैंने खाना बना दिया है, चाय भी हमने पी ली है, अभी ये जा रहे हैं ऑफिस। और अभी आ गई हूँ दोबारा से किचन में, अभी मैं बना रही हूँ दही से लस्सी। तो ज़्यादा दही हो गई थी तो मैं सोच रही थी एक थोड़ी एक दिन पहले की थी, क्योंकि उस दिन वो जमी नहीं थी, नेक्स्ट डे फिर वो थोड़ी खट्टी हो गई थी, तो मैं सोच रही थी इसकी शाम को कढ़ी वगैरह बना लूँगी। और जो ताज़ा वाली थी उसकी मैंने लस्सी बना के बच्चों के उसमें डाल दी है स्कूल के लिए। दक्षता का बना दिए हैं मैंने बाल, चोटी मैं ही बनाती हूँ इसकी, क्योंकि इससे चोटी नहीं बनती। और यहाँ पर ये देखो मिलते हैं स्कूल जाने के बाद। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सभी बच्चे भी जा चुके हैं, मैं आ गई हूँ अपना काम करने दोबारा से। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ डस्टिंग, और सुबह सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो घर इतना मैसी हो जाता है, सच में मैं दिखा नहीं सकती, पता नहीं कहीं बुक, कहीं पेन, कहीं बैग, मतलब कहीं शूज, कहीं चप्पल ऐसे ही डाल के जाते हैं ना, बहुत बुरी हालत हो जाती है। कम से कम मेरे का पौना से एक घंटा लग जाता है इनको समेटने में। और बच्चों को मैं छोड़ रही, मशीन चला रखी है कपड़े धोने के लिए, तो कपड़े भी साथ साथ धुल जाएंगे। बट जो किचन है वो एज इट इज पड़ी हुई है, मतलब जो सामान जा रखा था ना बहुत ही गंदी हालत हो रही है किचन की, तो अभी फटाफट से मैं इसको समेटूंगी और अपना खाना बनाऊंगी बाद में। सारा काम करने के बाद करनी है होली स्पेशल एक वीडियो भी शूट, और गुजिया भी बनानी है, तो बिजी है वो ज़्यादा शेड्यूल, तो मैं सोच रही हूँ जल्दी से फटाफट काम कर लूँ। और आज एक मेरी फ्रेंड है पड़ोस में, तो उसने कपड़े की दुकान की है, तो वहाँ पे भी जाना है क्योंकि उसने आज कीर्तन रखे हुए हैं, तो देखती हूँ जाया जाएगा नहीं जाया जाए। होली आ रही है तो पूजा होती है, किचन की भी क्लीनिंग करनी है, और देखते हैं क्या क्या होगा, जो भी होगा दिखाते रहेंगे। तो भैया अभी गर्म कपड़े कुछ मैंने रख दिए हैं, कुछ पहले रख दिए थे, कुछ अब रख दिए हैं, और कुछ अभी एक दो जोड़ी मैंने और रख रखे हैं। जैसे अभी बारिश हो गई थी ना तो मौसम ठंडा हो गया था एक दो दिन के लिए, तो एक दो जोड़ी कपड़े रख लिए हैं, बाकी सारे मैंने बेड में रख दिए हैं, तो अलमारी में भी थोड़ी जगह खाली हो गई है। और ठंडे वाले कपड़े हैं वो निकाल लिए हैं, बट पहनते कभी हैं वो बाद में पता चलेगा, तो अभी मैंने रख दिया है। यहाँ की डस्टिंग भी हो गई है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स डस्टिंग झाड़ू हो चुकी है, बर्तन भी साफ हो चुके हैं, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। अभी फटाफट से लगा लूँगी पोछा और उसके बाद फिर नहाते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो गई है, और फिर फटाफट से आगे का देख। भाई फाइनली मैं नहा के आ चुकी हूँ और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है, और टाइम हुआ है अभी 10:15 का, और अभी मैंने अपना सारा काम कर लिया है और बहुत स्पीड से काम किया है। स्पीड से क्यों किया है, क्योंकि एक तो जाना है कीर्तन में, तो मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ, और फिर मैं सोच रही हूँ गुजिया भी बनाऊँ, एक होली स्पेशल कॉमेडी वीडियो भी बनानी है, तो बहुत सारी आज
तो बहुत सारे आज काम करने वाले हूँ, इसलिए थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहेगा आज। तो भाई ये नहीं है कि अगर बाहर जॉब नहीं करती कोई लेडी तो वो काम नहीं करती, घर में बहुत सारे काम होते हैं अगर अच्छे से अपने जिम्मेवारी निभाई जाए तो। इतने काम होते हैं एक लेडीज के पास कि उसको पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है ना। हम थोड़ा सा ये करते हैं कि फास्ट स्पीड में, मेरा यही होता है कि जब भी मैं काम स्टार्ट करती हूँ तो ये नहीं है भाई एक काम कर लिया और मैं बैठ गई, एक काम कर लिया फिर बैठ गई, मतलब कंटिन्यू मैं अपने सारे काम खत्म करती हूँ। जब से उठती हूँ और जब तक मेरे सारे काम हो ना जाते हैं तब तक मैं एक मिनट के लिए भी नहीं बैठती हूँ। तो अभी फाइनली मेरा सारा काम हो चुका है और नहाने के बाद मैं खाना खाती हूँ, बट आज मैंने खाना पहले ही खा लिया था। तो बस अभी कुछ ऐसा खास है नहीं, वहाँ अगर जाऊँगी कुछ सूट किया तो दिखा दूंगी, अदरवाइज फिर आप करते हैं आज गुजिया की तैयारी क्योंकि होली आ रही है, तो होली में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं सोच रही हूँ गुजिया बनाऊंगी, तो गुजिया के लिए भाई जो जो सामान मेरे को चाहिए वो सारा मैंने कल ही हस्बैंड को मंगा लिया था और आज बच्चों का है लास्ट पेपर तो आज फ्री हो जाएंगे वो। तो अभी वही फाइनली मैं जो कीर्तन में गई थी आ चुकी हूँ, थोड़ी देर होकर आई हूँ क्योंकि मुझे फिर भी घर को लेने भी जाना है। अभी टाइम हो रहा है, फटाफट से बस बर्तन सेट कर देती हूँ अपनी अपनी जगह पे, अपने को लेके आती हूँ क्योंकि आज मेरे को सोच तो रही थी गुजिया आज बना लूँ बट आज नहीं बनेगी गुजिया, तो फिर मैं बाद में ही देखूंगी, आज नहीं बन पाएगी। तो आज थोड़ा सा जो क्लीनिंग का काम है ना वो कर लेती हूँ क्योंकि वहां से आने के बाद मैंने रेस्ट भी कर लिया था, अब मैं करूंगी थोड़ी क्लीनिंग उसके बाद फिर कल देखते हैं भाई, आज नहीं बन पाएगा और फिर बच्चों की छुट्टियां भी हो जाएगी। आज है जो उनका लास्ट पेपर है तो आज उनके एग्जाम है वो खत्म हो जाएंगे तो फिर वो भी थोड़ी हेल्प करा देंगे। तो अभी वही बच्चों को ले आई हूँ और एग्जाम हो चुके हैं इनके खत्म, लास्ट पेपर था आज इनका। और अभी मैंने अपने लिए बना ली है चाय क्योंकि थोड़ा सर में दर्द हो रहा है और चाय का टाइम भी हो गया था। और जो बच्चों के बैग वगैरह हैं ड्रेस जो भी हैं, अब 2-3 दिन की छुट्टी है तो सारे मैं मशीन में डाल आई हूँ, तब तक धुल जाएंगी। चाय पीऊँगी, बर्तन साफ करूँगी, तब तक कपड़े धुल जाते हैं, फिर उनको धोने के बाद फिर देखते हैं भाई क्या करेंगे। और लस्सी रखी हुई है, सोच रही हूँ कढ़ी बना लूँगी क्योंकि फिर वो वेस्ट जाएगी ना, तो या तो मैं कढ़ी बनाऊँगी शाम को। और अभी पी लेती हूँ भाई चाय, बाद में करेंगे सारे काम। तो भाई अभी पी ली है चाय और बर्तन भी साफ कर दिए हैं, टिफिन वगैरह जितने भी थे क्योंकि लस्सी की बोतल, पानी की बोतल, बहुत सारे बर्तन छोटे छोटे इस तरह के हो जाते हैं स्कूल जाने के बाद। तो फाइनली मेरे बर्तन भी धो लिए हैं भाई मैंने अपने और चाय पी ली है। अभी थोड़े मतलब सिर में जो दर्द था ना उसमें थोड़ा रिलीफ है भाई, थोड़ा सा रिलीफ है चाय पीने से, है ना। चाय देखो कितनी अच्छी मेडिसिन है हमारी, सिर का दर्द है ना छो मंत्र हो जाता है। तो अभी बस मैंने जैसे ही बर्तन धो रही थी मैं, एक साइड मैंने कढ़ी चढ़ा दी है बनने के लिए और मशीन में कपड़े धुल चुके हैं, जो बैग है वो डाल के आई हूँ मैं अभी, तो थोड़ी देर बाद बैग भी धुल जाएंगे क्योंकि बच्चों की अब छुट्टी है 3-4 दिन की, तो फिर यही है कि बच्चों की है अब छुट्टियाँ तो फिर धोना तो था ही। वैसे भी मैं हर संडे इनके बैग्स वगैरह होते हैं ना वो हमेशा धोती हूँ, तो अभी मैं डाली आई हूँ भाई उनको मशीन में, तब तक धुल जाते हैं, तब तक मैं जो तड़का है कढ़ी के लिए वो रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद भाई आज गुजिया बनाने का बिल्कुल मन नहीं है क्योंकि टाइम भी हो चुका है और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो कल बच्चों की छुट्टी है तो कल शायद मैं बनाऊं। और अभी मैंने 3-4 शॉर्ट्स वीडियो बनाई है, उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया, अपलोड कर दी है बट अनलिस्टेड पे करके छोड़ रखी है। तो अभी बस मैं जो थोड़ी सी तैयारी है ना वो कर लेती हूँ गुजिया की, क्योंकि मेरे को जो गोला है ना सूखा नारियल उसको कसना है भाई, कद्दूकस करना है स्टफिंग के लिए। और जैसा भी बनेगा वो मैं आगे आपको कल ही दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। आज के व्लॉग में क्या बताऊँ, बस मैं अब जो मेरा था वो मोस्टली हो चुका है, कढ़ी बन चुकी है, देखूंगी राइस तो आज बनेंगे नहीं क्योंकि आज है एकादशी तो राइस नहीं बनेंगी तो रोटियां ही बनानी पड़ेगी। मेरे को पहले ध्यान नहीं रहा तो मैं सोच रही थी राइस बना दूंगी बट अभी मेरे को पता चला है कि भाई आज एकादशी है तो राइस नहीं बनते एकादशी के दिन, तो रोटियां ही बनाऊंगी। और सुबह बनाई थी मैंने भिंडी तो वो भी थोड़ी रखी हुई है, तो भाई फटाफट से उनकी जो ड्रेस है उनको मतलब सुखा के आती हूँ, मैं धो के आती हूँ, थोड़ा आधा प्रोसेस हो चुका है उनका, मशीन में धुल चुके हैं बट ये अभी जो पानी में से निकालने और ड्राई करने रह गए हैं। और कढ़ी है वो बन रही है, तड़का लगा लेते हैं और कपड़े धो देते हैं, उसके बाद मिलते हैं फिर आपको। तो अभी के लिए फ्रेंड्स बस मैंने जो कपड़े थे वो भी धो दिए हैं, बच्चों के बैग्स वगैरह। और ये देखो भाई एक बार बैठ बैठती इधर खराब कर देते हैं बच्चे, कैसे बैठते हैं पता नहीं, मुझे ऐसी बिल्कुल सलवटे वाली जो चद्दर है ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं इनको बार बार ठीक करती रहती हूँ। तो अभी फाइनली बच्चों के कपड़े वगैरह धो दिए हैं, लाइट की वजह से थोड़ा सा कुछ आ रहा है ना यहाँ पे ब्लू ब्लू सा क्योंकि ब्लू लाइट ऑन है। तो अभी कपड़े धुल चुके हैं, बैग वगैरह भी धो दिए हैं मैंने, कढ़ी बना दी, तड़का लगा दिया, आटा लगा के रख दिया है। और जो मैं गुजिया बनाऊंगी ना उसकी स्टफिंग के लिए जो सूखा गोला था उसको मैंने कद्दूकस करके रख दिया है,
बट अब आज मैं गुजिया नहीं बना रही हूँ, तो कल बनाएंगे। तो अभी जो हमारे बिडकले बनाए थे ना हमने होली के लिए, वो सूख चुके हैं, तो उनकी माला बना लेते हैं क्योंकि अभी टाइम है काफी, तो फटाफट से माला बनाते दिखाती हूँ। बिडकले हैं भाई, वो सूख चुके हैं फाइनली सारी, और पता नहीं कैसे बन गए, देखो। तो अभी वही फटाफट से बनाते हैं बिडकले की माला, और थोड़े कुछ गिले लग रहे हैं क्योंकि बारिश आई थी, उनकी थोड़े से गिले हो गए, तो उठा के तो हुई थी, बट ये ढाल है, इस तरह की ढाल, ये देखो। तो फटाफट से भाई, मेरे पास तो ये है शायद लोअर वगैरह के वो होते हैं ना, जो नाड़ी बोलते हैं। इससे थोड़ी पड़ जाएगी, बढ़ा के देख ले तेरे को पता लग जाएगा। डाल दी ये पहले, ढाल डाल दी, बल्कि जो मेरे पास ये नाड़ा है इससे सही बन जाएगा, इसमें डालने का वो है आगे। पाँच पाँच हो गए ना, चार हो गए, देखो भाई। एक और रिबन होगा अंदर ब्लू कलर का। आर्ट क्राफ्ट के लिए जो इनके रखे हुए थे ना रिबन इस तरह के, वो हमने यूज किए हैं क्योंकि रस्सी वगैरह हमको मिली नहीं, कहीं है ही नहीं। तो यहाँ पे हमारी जो होली के लिए बड़ी ढाल बिडकलों की माला है वो तैयार कर ली हमने आज, फाइनली सूख भी गए थे अच्छे से। तो यहाँ पे बस होली के लिए तैयारी है वो हो चुकी है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आप लोगों में से किस किस ने बना लिया ये। तो भाई अभी ढाल बिडकले की माला है वो बन चुकी है, और टाइम काफी था क्योंकि कड़ी मैंने आज जल्दी बना ली। अभी फ्रेंड्स मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की है, तो देख लेना भाई जाके, काफी सारी वीडियो डाल दी है, काफी डालूंगी अभी। तो अभी के लिए बस कुछ नहीं, आटा वाटा सब लगा के रख रखा है, अभी कुछ काम है नहीं। मैं सोच रही थी वैसे इतना टाइम तो बच ही गया था, अगर गुजिया बनाना चाहती ना तो बन सकती थी। तो भाई अभी हो गया शाम का टाइम, और अभी मैं ना शाम को टहल रही हूँ यहाँ पे, और क्या हो गया डोगी। तो अभी भाई शाम का टाइम हो चुका है, खाना वाना खा लिया, बर्तन साफ कर लिए हैं, और दही वगैरह मैंने जमा दी है। तो अभी व्लॉग को करते हैं बंद, क्योंकि काफी बड़ा व्लॉग बन गया है, सुबह से स्टार्ट हुआ था। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे बंद। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।